आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 सेलर अकाउंट बताने वाला हूं जो कि अलग अलग कैटेगरीज में डील करते हैं, जिससे जो नए सेलर हैं उनको यह आइडिया होगा किस कैटेगरी में उन्हें डील करना है। ज़्यादातर कमेंट्स हमें इसी तरह मिलते हैं कि इस कैटेगरी में कितना परसेंटेज देना होता है, या अगर कोई प्रोडक्ट हम 499 का सेल करते हैं तो कितना हमें उसमें प्रॉफिट रखना है। तो आप सबसे पहले इन लाइव अकाउंट्स को चेक करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि आप किस कैटेगरी में आगे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने ओपन किया है इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट, और अभी यहाँ पर हमारा जो मार्केट प्लेस है वह है अमेजोन। अभी हम जो कैटेगरी पर हैं वह है केस एंड कवर की। हालांकि जो मोबाइल की एक्सेसरीज या कवर वगैरह होते हैं इसमें परसेंटेज कुछ ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर आप देखिए जो आइटम का प्राइस है वह है 399 रुपीज़, शिपिंग चार्जेस है यहाँ पर 80 रुपीज़, और जो हमारा प्राइस बनता है कस्टमर के लिए वह है 479। यहाँ पर आप देखेंगे अमेजोन ने जो फीस कलेक्ट की वह है 107 रुपये, जिसमें रेफरल फीस है और क्लोजिंग फीस है। नीचे हम इसे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 351 रुपीज़ आपको नेट प्रॉफिट दिखाई देता है। यहाँ पर हम स्पीकर्स की कैटेगरी को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 599 रुपीज़, जिसमें यहाँ पर हमको जो फीस पे करनी है वह 104 रुपीज़ है। नीचे कुछ और कैटेगरीज को हम एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से मैं स्क्रीन गार्ड की कैटेगरी को ओपन करता हूँ। अगर हम 249 रुपीज़ में सेल करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 77 रुपीज़ आपको फ़ीस देनी होती है। ये एक नॉर्मल आइडिया है। मीशो के साथ क्या होता है कि आपको मीशो में सिर्फ और सिर्फ शिपिंग फीस को देना होता है, मतलब आपके जो प्रोडक्ट की वैल्यू है बहुत ही कम चार्जेस हैं इसमें, आपको सिर्फ शिपिंग फीस को देना है, बाकी पूरा अमाउंट आपको ट्रांसफ़र होता है। हालांकि मीशो में क्वालिटी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि रिटर्न बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कोशिश करें कि जो सस्ते प्रोडक्ट हैं उन्हें ही आप मीशो पर सेल करें। बात करते हैं हम फ्लिपकार्ट की, और फ्लिपकार्ट में हम सेलेक्ट करते हैं पहले कॉस्मेटिक कैटेगरी को। यहाँ पर मैं एक दूसरा अकाउंट ओपन करता हूँ और यहाँ पर जो प्राइसिंग रखी हुई है वह है 489। 489 रुपीज़ में जो बैंक सेटलमेंट आ रहा है वह है 378 रुपीज़। यहाँ पर आप देखेंगे एमपी फीस के अंदर 121 रुपीज़ आपसे फ़ीस चार्ज की गए हैं। हालांकि इनके जो चार्जेस हैं वह लोकल, जोनल और नेशनल के हिसाब से हैं। अगर आप इसे और एक्सपांड करके देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कमीशन फ़ीस, फिर शिपिंग फ़ीस, फिक्स फ़ीस, कलेक्शन फ़ीस। अगर इस प्राइस को मैं चेंज करता हूं और यहां पर मैं डालता हूं 299 रुपीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई प्रोडक्ट है जिसे आप 299 रुपीज़ में सेल करना चाहते हैं, तो यहां पर आपके पास जो सेटलमेंट आएगा वह होगा 222 रुपये। हालांकि कॉस्मेटिक्स की जो कैटेगरी है वह बहुत प्रीमियम कैटेगरी है क्योंकि कॉस्मेटिक्स में रिटर्न नहीं है, ज़्यादातर आपके जो प्रोडक्ट हैं वह नॉन रिटर्नेबल हैं, और जो कमीशन भी है इलेक्ट्रॉनिक्स या अदर कैटेगरी की कंपेरिजन में वह कॉस्मेटिक में बहुत ज़्यादा कम है। अगर यही सेम चीज़ आप 299 रुपीज़ की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में होते तो आपके अकाउंट में जो सेटलमेंट होता वह 100 रुपीज़ होता। मैं आपको आगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अकाउंट में भी दिखाता हूँ, बट अभी यहाँ पर आप देखेंगे 299 रुपीज़ में जो सेटलमेंट आपके पास आ रहा 219, 225, 222 रुपये के करीब है। तो यहाँ पर ये कॉस्मेटिक के ही प्रोडक्ट हैं, किसी एक दूसरे प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस सीरम को ओपन करता हूँ मैं। यहाँ पर जो सीरम का प्राइस है वह है 199 रुपीज़, और यहाँ पर जो बैंक सेटलमेंट आ रहा है वह है 99 रुपीज़, 91 रुपीज़, 74 रुपीज़। तो अगर आप चाहें तो आप इस तरह से कॉस्मेटिक कैटेगरीज़ में भी डील कर सकते हैं। इस अकाउंट को मैं बंद करता हूँ, हम चलते हैं होम एंड डेकोर कैटेगरी में। अब होम डेकोर कैटेगरी में इस अकाउंट में 2 प्रकार की लिस्टिंग की गई है, शॉपसी की और फ्लिपकार्ट की। तो शॉपसी की जो लिस्टिंग होती है, जैसे कि यहाँ पर यह एक शॉपसी की लिस्टिंग है, मैं इसे ओपन करता हूँ। शॉपसी पर अगर आप कोई प्रोडक्ट 249 रुपीज़ का सेल करते हैं तो आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ शिपिंग फ़ीस को देना पड़ता है, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं। बाकी जो अमाउंट है वह सीधा आपको ट्रांसफ़र किया जाता है। और यहां पर आपके पास जो बैंक सेटलमेंट आ रहा है वह आ रहा है 297 रुपीज़। देखिए, यहाँ पर एमपी फ़ीस में बहुत ज़्यादा चार्जेस लिया गया है। मेन रीज़न मुझे आपको यही बताना है कि यह चार्जेस आपसे क्यों लिए जा रहे हैं। इसके लिए आपको ओपन करना है पैकेजिंग डायमेंशन को, इसे हम एडिट करते हैं। यहाँ पर जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है वह है 16 kg। नॉर्मल इस प्रोडक्ट का जो वेट है वह है 0.4 kg, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वह आधा किलो का भी नहीं है, और हमसे जो चार्ज लिया जा रहा है वह 16 किलो वाले चार्जेस को लिया जा रहा है। तो आप भी बहुत अच्छे से प्रोडक्ट का सिलेक्शन करें, क्योंकि जो बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें प्रॉफिट तो होता है, बस उसमें वॉल्यूमेट्रिक वेट देना होता है। अब यहाँ से अगर मैं इसकी हाइट को कम करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ 10, तो प्रोडक्ट का जो वेट है वह 3 किलो के अंदर आ चुका है। अगर हम लेंथ को और कम करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 1.5 किलो के करीब आ चुका है। इसे और थोड़ा सा हम कम करते हैं तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे 0.15 kg। मतलब आगे आपको कैटेगरी में बढ़ने से पहले वॉल्यूमेट्रिक वेट को भी देखना है, जैसे कि जो आर्टिफिशियल प्लांट वगैरह होते हैं या फिर प्लास्टिक के जो बड़े आइटम होते हैं लाइक कंटेनर या डस्टबिन, तो आप अगर इन्हें परचेज करेंगे तो कॉस्टिंग आपको बहुत कम पड़ेगी, बट जब आप इन्हें मार्केट प्लेस पर सेल करेंगे
तो आपको जो शिपिंग के चार्जेस देने होंगे वह बहुत ज़्यादा होंगे और आप इसे बीट नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने वही सेम प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पर ओपन किया है। मैं इसकी लिस्टिंग को ओपन करता हूँ तो यह हमारा वह प्रोडक्ट है जो कि अभी सेल हो रहा है 399 रुपीज़ में। मैं एक बार इसके पेमेंट पर चलता हूँ। 399 रुपीज़ में अगर आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो 125 के करीब आपको फीसेस देनी होंगी और जो बैंक सेटलमेंट होगा वह 250 रुपये के करीब होगा। अब यहाँ पर फीस में आप चेक कीजिए, आपसे जो कमीशन लिया जा रहा है वह 27 रुपीज़ है। जो किचन प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी फीसेस बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिपिंग में आपसे जो चार्जेस लिए जा रहे हैं वह 48 रुपीज़, 55 और 69 रुपीज़, बैंक सेटलमेंट 250 के करीब है। यह हमारी किचन की कैटेगरी हो गई। अब एक हम बाथरूम कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि बाथरूम या फिर जो क्लीनिंग कैटेगरी है इसके भी जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादातर नॉन रिटर्नेबल हैं और प्रॉफिट मैं आपको दिखाता हूँ। तो वाइपर की यहाँ पर आप देखेंगे दो लिस्टिंग है, एक शॉपसी पर है और एक फ्लिपकार्ट पर है। तो हम ओपन करते हैं यहाँ पर फ्लिपकार्ट वाली लिस्टिंग को। यहाँ पर आप देखेंगे 399 रुपीज़ में अगर हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, हम लिस्टिंग को ओपन करते हैं, इस प्रोडक्ट को हम 399 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। हम डैशबोर्ड पर चलते हैं तो यहाँ पर जो फ़ीस आपको देनी है कुछ इस तरह से है, 27 रुपीज़ यहाँ पर कमीशन है। शिपिंग फ़ीस यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 111 रुपये, फिक्स फ़ीस 16 रुपये, 12 रुपये यहाँ पर आपको कलेक्शन फ़ीस देनी पड़ी है, जो सेटलमेंट है वह 200 रुपये के करीब है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि शुरुआत में जो प्रोडक्ट्स हैं आप किसी भी कैटेगरी में डील करें, प्रोडक्ट का जो सिलेक्शन है वह 200 रुपये के कम के ही प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करें, क्योंकि शुरुआत में आपको देखना होगा कि वह प्रोडक्ट कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर आप महंगे प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो कस्टमर रिटर्न के समय हो सकता है कि वह डैमेज भी हो, शुरुआत में आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी ना हो, क्योंकि हमारे ऐसे कुछ सेलर्स हैं जिन्होंने अपने अकाउंट पर 20 से 30 हज़ार रुपये का सामान को सेल किया और जब उनने अकाउंट का सेटलमेंट चेक किया तो उनको 300 रुपये 400 रुपये ही आए। ज़्यादातर कॉस्ट जो है वह रिटर्न में हो गया कम या ज़्यादातर वॉल्यूमेट्रिक वेट में उनका कम हो गया। तो सिलेक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से करें। अगर आप ई कॉमर्स के बारे में और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक अपना A to Z कोर्स भी रेडी किया है जहां पर हमने शुरू से लेकर लास्ट तक सभी टॉपिक्स को कवर किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो एक बार जाकर चेकआउट करें, सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज़ इसका प्राइस रखा है। एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए #cyberbaba।